तो ये मेरे नाम से आश्रम बना है, स्वामी रामेश्वर दास आश्रम। इस आश्रम का नाम है और ये एक छोटा सा मंदिर बनाया है और ये मेरा फोटो है हमारे 1008 से स्वामी बालदा जी महाराज, हमारे परम पूज्य दादा जी गुरुदेव, दादा गुरुदेव भगवान हैं। और यहाँ जो है वो हमारे 108 श्री स्वामी दयानंदा जी महाराज हमारे गुरु जी हैं। तो और यहाँ हमारे दादा जी हैं, यहाँ भी हमारे दादा जी। तो ये हमारे आश्रम है और हमारे विष्णु भगवान है यहाँ का, और यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। तो ये जालीकट्टी विलेज में कर्नाटका में है। तो यहाँ पर एक आश्रम छोटी सी बन रही है और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं मेरा रहने के रूम है, इधर अटैच बनेगी लैट्रिन बाथरूम, इधर गेट छोड़ दी गई है और ये जो है मेन गेट है। तो अब बन गया है तो धीरे धीरे करके बनता ही रहेगा, एक बार नींव पड़ जाने के बाद में उसको बनना जरूरी हो जाती है कि बनता ही रहेगा जीवन भर में। तो ऐसे करके और भी सारे विकास होते रहेंगे और भी बनते रहेंगे। तो ये मेरे नाम से एक आश्रम हो गया, स्वामी रामेश्वर दास आश्रम, तो यहाँ पर है। और यहाँ से लगभग सबरी जी की जो देवस्थान है, जहाँ पर भगवान श्री राम जी आकर दर्शन दिए थे किष्किंधा जाने से पहले, कितना दूर है? लगभग 4-5 किलोमीटर होते हैं। 3 किलोमीटर है सूर्यवन है यहाँ से, और वहाँ से 3 किलोमीटर सबरी कॉलोनी है जहाँ पर भगवान श्री राम जी सबरी जी को दर्शन दिए थे। और भगवान श्री राम जी ने नौधा भक्ति सुनाए थे भगवान ने अपने सबरी को। तो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो ये भी एक मान लिया जाए कि सबरी माता का जो तीर्थ स्थल है वहाँ से मैं बहुत नज़दीक में हूँ, तो ये आश्रम बना हुआ है। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि अब यदि हम रहे या न रहे, लेकिन ये आश्रम का विकास होता रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।